दरभंगा पुलिस ने वेश्यावृत्ति कारोबार में शामिल लोगों को किया गिरफ्तार। इस कारोबार में शामिल होटल मैनेजर सहित कई होटल के नाम का हुआ खुलासा। जिस होटल में इस प्रकार के गलत कार्य होते थे, आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के वाजिदपुर महदोली सड़क के पास से दिनांक 23/24 की रात्रि में डायल 112 की गश्ती पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक बांग्लादेशी महिला को पकड़कर लहरियासराय थाना लाया गया, जिससे पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी की रहने वाली दंपति के बहकावे में आकर दरभंगा में वो आ गई। चले कि पुलिस द्वारा पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला ने कई बातों की भी दी जानकारी। वेश्यावृत्ति में संलिप्त पाया गया छोटी देवी पति सोनू कुमार के द्वारा कई कस्टमर का फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है। वहीं छोटी देवी के द्वारा बताया गया कि वेश्यावृत्ति में जुड़े कई महिलाओं से उनके संबंध हैं। वे कस्टमर को मैनेज कर बेता स्थित अतिथि होटल, प्रिंस कमल होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल में लाते हैं, वेश्यावृत्ति का धंधा करवाते हैं। वहीं आपको बताते चलिए कि पुलिस ने बताया कि होटल पर छापा मारा गया तो अतिथि होटल के होटल मैनेजर पवन कुमार एवं वेश्यावृत्ति में शामिल एम राजा अलीनगर थाना अलीनगर जिला दरभंगा के रहने वाले हैं पकड़ा गया है। वहीं इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्ज ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को पूरी घटना के संबंध में दी जानकारी। आइए सुनाते हैं इन्होंने क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। के तहत में लहरियासराय थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं, लड़के हैं और एक महिला जो वेश्यावृत्ति के अपराध में वो सम्मिलित। इस जैसे इसकी सूचना मिली तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें जाके वहाँ पे छापामारी हुई तो एक महिला जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है वो वहाँ पे पकड़ाई गई और उनके साथ में जो एक व्यक्ति जो था जो कस्टमर के रूप में कार्य कर रहा था वो उस समय वहीं से मौके से फरार हो गया। इसके तहत में जब उसके बाद में उन पीड़ित से हमने जब पूछताछ किया तो उन्होंने ये चीज बताया कि बेता थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला है जो जिनका नाम है छोटी देवी, ये और इनके पति जिनका नाम है सोनू कुमार, ये वेश्यावृत्ति वाले एक धंधे को ये लोग कार्य करते हैं और जो पीड़िता होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो कई बार होती हैं, जो हॉस्टल में भी जो रहने वाली लड़कियां होती हैं उन लड़कियों को ये लुभावना देते हैं और कुछ पैसों के लिए उनको वेश्यावृत्ति में ये धकेलते हैं। इसके तहत हम लोगों ने और छापामारी की और जब छापामारी किया तो छोटी देवी जो इसकी एक मुख्य अपराधकर्मी है वो उनके पति जो है सोनू कुमार उनको भी गिरफ्तारी में लिया गया। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और ये बोला कि लगभग 7 महीने से इस अपराध को कार्य में सम्मिलित हैं और मतलब सैकड़ों लोगों से ये पहले से चालू करती आई है और इस तरह के अपराध में कई बार इन्होंने करवाया है। इसमें हमने इनका मोबाइल है उसको भी सीज किया, उसमें भी काफ़ी नंबर इसे इस बात की पुष्टि हुई और काफ़ी अन्य नंबर से इन्होंने इस तरह के ट्रांजेक्शन में सम्मिलित रही हैं और उनको जो पीड़िता हैं लड़कियां हैं उनको मुहैया इन्होंने करवाया है। इसके तहत में हमने जब आगे और छानबीन किया तो कुछ और लोगों का इसमें नाम सामने आया। इसमें जैसे कि और जो भी ऐसे पिंप जिन्हें बोला जाता है वो लोग भी सम्मिलित हैं, उनको भी हम अभी छानबीन उसमें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसके तहत में हमने और जब इसे रात में और छापामारी किया तो कुछ ऐसे जो होटल मालिक हैं, होटल या मोटल जो उन्हें बोला जाता है, उस तरह के ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे ये लोग ज़्यादा मूल्य पे लगभग 1,500-2,000 रुपये मूल्य में ऐसे बिना किसी भी वैध कागज के, बिना रजिस्ट्रेशन आईडी के, बिना कोई भी कागज रखे हुए, आधार कार्ड लिए हुए, बिना किसी भी सत्यापन के ये लोग इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को वहाँ पे अपना कार्यरत करवाते हैं चीज़ों को और रूम मुहैया करवाते हैं। इसके तहत में हमने अतिथि होटल, प्रिंस होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल के जैसे इन सभी के नाम सामने आए हैं और इनके भी हमने जब एक जगह पे हमने छापामारी किया
तो होटल के अतिथि होटल के मैनेजर पवन कुमार जो है वो भी उनकी भी भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है। एवं उसी समय पे वहां पे जब हमने और छानबीन किया तो वहां पे एक और जो व्यक्ति थे और एक और पीड़िता थी जो वहां से वो बरामद हुई, जिनसे और पूछताछ किया गया तो ये और स्पष्ट हुआ सामने हुआ कि होटल के ही मालिक ने उन्हें अन्य एक कस्टमर को एक पीड़िता को मुहैया करवाया था। जी होटल का जो अपराधकर्मी है उसका नाम है पवन कुमार है और इसके में जो अन्य शामिल व्यक्ति है उसका नाम है एम राजा जो कि अलीनगर का रहने वाले इस मतलब पूरे क्रम में कुल चार लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की छानबीन इसमें जारी है। थैंक यू। क्या आरोप है सर एम राजा? जी एम राजा जो है वो कस्टमर की भूमिका अदा कर रहे थे और जो उसमें जो हमने होटल में छापामारी की थी अतिथि होटल में वहां पर एक लड़की के साथ में एक पीड़िता के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। सर शहर में इस तरह के छोटे छोटे जितने भी टेस्ट हाउस 95% में इस तरह का धंधा होता है, क्या इसके उद्भेदन के बाद इन सारे होटलों पे शिकंजा कसा जाएगा, आश्वस्त करते हैं दरभंगा की जनता? जी बिल्कुल। अब जैसे अब तक हमने इससे पहले ही बताया कि कुछ होटल के नाम अभी सामने आए हैं, अन्य होटल के भी जिसके नाम भी सामने आएंगे और जो मतलब बिना किसी कागजात के सत्यापन के बिना आईडी के प्रॉपर आईडी के अपना रूम मुहैया करवाते हैं उन सभी में हम कार्रवाई करते हैं। सर ये जो मास्टरमाइंड है मेन इनका जो मास्टरमाइंड है कौन है? जैसे हमने बताया था जो मास्टरमाइंड है इसमें आज जो अपराध करने अभी जो हमने पकड़े हैं वो है छोटी देवी और इनके जो पति हैं, ये दोनों मिलके इस पूरे ही बेसिकली गैंग का वो करते थे। क्या ये जो ऑपरेट करते हैं कस्टमर को लाते हैं होटलों में ही लेके जाते हैं या होटल मालिक के साथ इनका ताल्लुक आता है? इनका दो तरह से काम करने का तरीका रहता है। एक होता है कस्टमर इनसे डायरेक्टली संपर्क करे और तो डायरेक्टली कस्टमर को जो पीड़िता को उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा जो इनका तरीका रहता है वो ये रहता है होटलों के माध्यम से, इसमें कि अगर जैसे कि रात में जो ये बात जो सामने आई अतिथि होटल में जो ये एम राजा नामक व्यक्ति जो गए थे इन्होंने होटल मालिक से ही इस बारे में अपनी रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक लड़की मुहैया कराई जाए। उसके बाद होटल मालिक ने जो था वो आगे वो जो महिला थी रानी कुमारी उसको उन्होंने अपने इसके लिए आगे और रिक्वेस्ट किया तो वहां से एक लड़की जो थी वो उनको मुहैया कराई गई। सर बांग्लादेशी की एक भूमिका इसके सामने आ रही है, सवाल ये पैदा होता है बांग्लादेश पहुंच कैसे गई और यहां खुलेआम ये धंधा कर रही थी, ये भी एक प्रश्न है। उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं पूरे मतलब विस्तृत रूप से उसका एक सत्यापन हो रहा है। जो महिला जो है जो रात में हम लोगों ने इनको पूछताछ के लिए दिया था वो बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है और उनके विषय में हम लोग और छानबीन कर रहे हैं, उनके बेसिकली आने जाने का कैसा क्रम रहा है उसको भी हम छानबीन कर रहे हैं। थैंक यू।